सड़कें गांवों की जीवन रेखाएं होती हैं। एक सड़क ग्रामीण समुदायों के जीवन में सामाजिक व आर्थिक प्रगति ला सकती है। एक सड़क बाजारों, स्कूलों, अस्पतालों और बहुत से अधिक लाभ तक उन्हें पहुंचा सकती है जो पहले भारतीय गांवों की पहुंच से बाहर थी। गांवों को जुड़े नहीं होने की समस्या संयोजकता या कनेक्टिविटी से निपटने के लिए 25 दिसंबर वर्ष 2000 में भारत के सभी गांवों को हर मौसम में जुड़े हुए रखने को प्रदान करने के उद्देश्य के साथ भारत की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या PMGSY का शुभारंभ किया था। ये केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत PMGSY को लागू करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी या NRRDA को एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। पब्लिक अफेयर्स सेंटर या PAC सुशासन की दिशा में काम करने वाली एक विशेषज्ञ संस्था है जिससे PMGSY सड़कों के नागरिक निगरानी करने के लिए NRRDA के साथ साझेदारी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी ने बेंगलोर में स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर या PAC के सहयोग से नागरिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करने का फैसला किया है। नागरिक स्वयं सेवक स्थानीय लोग होते हैं, वे गांव के युवा यानी पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं जो अपने गांव के कल्याण के बारे में जानकारी रखते हुए उसके प्रति ईमानदार और समर्पित होते हैं, जिन्हें ग्रामीण सड़कों विशेष रूप से PMGSY की सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी में विशेष ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसी कारण के लिए पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने एक टूल किट और विभिन्न स्वकार्य मैनुअल्स का निर्माण किया है जिनके आधार पर इन नागरिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और वो आगे चलकर अपने राज्य के अन्य नागरिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करते हैं और जो PMGSY के इंजीनियरों के सहयोग से देखरेख करते हैं उन सड़कों की जो बन चुकी हैं और उन सड़कों की भी जो तैयार हो चुकी हैं और उनकी देखरेख में हैं। PAC ने PMGSY सड़कों की निगरानी के लिए एक नागरिक अनुकूल टूल किट एवं दिशा निर्देश को विकसित किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम सड़क के निर्माण के बारे में और इस सरल टूल किट के उपयोग पर कैसे एक सड़क की निगरानी की जाती है उनको हम सीखेंगे। नागरिक पर्यवेक्षक बनने के लिए PMGSY के तहत बन रहे सड़क की निर्माण कार्यों के विभिन्न पहलुओं और घटकों का वर्णन, साथ ही साथ इन पहलुओं और घटकों को वर्णन करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पदों को जानना महत्वपूर्ण है। बुनियादी अवलोकन के लिए निर्देश। टू व्हीलर पर या ऑडिटिंग टीम को आरामदायक होने वाले किसी भी तरीके से सड़क की पूरी पट्टी पर एक बार पूरी तरह से भौतिक अवलोकन करें। जैसे ही आप PMGSY के तहत पूरी की गई सड़क पर आगे बढ़ेंगे तो आप किलोमीटर स्टोन्स को देखेंगे। हर एक किलोमीटर के लिए 600 मीटर पर निगरानी की जाएगी। हर एक किलोमीटर की सड़क के लिए 3 पट्टियां, बीच में 300 मीटर वाली एक पट्टी, 100 मीटर की एक पट्टी जो बुरी है, दूसरी 100 मीटर की पट्टी जो अच्छी है और एक 100 मीटर की पट्टी जो सामान्य है, तथा जहां कहीं भी जंक्शन है 100 मीटर वाली सामान्य पट्टी को छोड़ दे सकते हैं। उसकी जगह जंक्शन के दोनों ओर 100 मीटर सड़क के दाईं और बाईं ओर पर डेटा कलेक्शन के लिए निगरानी करना चाहिए। अब हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क का निरीक्षण कर रहे हैं। अब हम इस सड़क के मोड़ को सूचित कर रही एक सूचना पट को देख रहे हैं। इसी तरह सड़क पर मौजूद अन्य महत्वपूर्ण सूचना पट के लिए हमें जांच करना चाहिए। अगर हम सड़क पर कोई मोड़ देखते हैं तो इन मोड़ों की जांच करें कि वो मोड़ सरल है या नहीं और कहीं ये मोड़ दुर्घटना का कारण तो नहीं बन सकता। इन पहलुओं का भी नागरिक निगरानी के दौरान जांच करनी चाहिए। ठेकेदार का नाम, ठेका के शुरुआती और पूरा होने की तारीख, क्या ये स्थानीय भाषा में है? क्या वहां पर कोई सीमा पत्थर मौजूद है? क्या वहां पर त्रिकोणीय आकार के ट्रैफिक सूचना पट मौजूद हैं? क्या वहां पर गोलाकार के ट्रैफिक सूचना पट मौजूद हैं? जल निकासी व्यवस्था,
छोटे पुलों की संख्या, स्लैब कलवर्ट्स या स्लैब पुलियां की संख्या, पाइप कलवर्ट्स या पाइप पुलियां की संख्या। यहाँ पर हम राइट ऑफ वे की माप ले रहे हैं, जमीन की वो चौड़ाई जो सड़क के अंतर्गत आती है, यानी कि सड़क के दाईं ओर वाली शोल्डर के छोर से सड़क के बाएं शोल्डर के छोर तक को, या सड़क की राइट ऑफ वे को जानने के लिए माप लेना चाहिए। एक सड़क के बाएं और दाएं छोरों को शोल्डर्स कहा जाता है। हर तरफ शोल्डर की चौड़ाई की माप को मिट्टी के भाग के अंत से कैरेज वे समाप्त करने तक लिया जाता है, और इसकी माप यहाँ पर 2.90 मीटर है। पक्की सड़क या मेटल रोड, जिसको कैरेज वे भी कहा जाता है, उसकी चौड़ाई को मापना चाहिए। क्या पेड़ों की डालियां देखने में अवरोध पैदा कर रही हैं? सड़क के कैम्बर यानी कि आड़ी ढलान माप के लिए कैम्बर बोर्ड का इस्तेमाल करें। किलोमीटर स्टोन्स की मौजूदगी, क्या किलोमीटर स्टोन्स रंगे हुए हैं? क्या किलोमीटर स्टोन पर होने वाले विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं? सीमा पत्थरों के बीच की चौड़ाई को माप लीजिए, क्या सीमाएं रंग से धुली हुई नजर आ रही हैं? शोल्डर की कैम्बर आड़ी ढलान माप के लिए कैम्बर बोर्ड का इस्तेमाल करें। सड़क के ढलान का माप कैम्बर बोर्ड के इस्तेमाल से करना होगा। जल स्वतंत्र रूप से सड़क के बाहर बहना चाहिए। अब हम सड़क के एक तरफ की ढलान को माप रहे हैं। कैम्बर को सड़क के बीच में से मापा जाता है। एक महत्वपूर्ण पहलू जो देखने लायक है, इसके बीच में एक छोटा सा यंत्र मौजूद है जिसे हम लेवलर कहते हैं, जिसके अंदर आप एक बुलबुले को देख सकते हैं। बुलबुले को बीच में लाने के लिए बोर्ड को समायोजित करें और फिर इसके अनुरूप जो रीडिंग है वो सड़क की ढलान को प्रतिशत में संकेत देता है। उदाहरण के लिए स्केल पर मौजूद रीडिंग संकेत कर रही है कि ढलान 0.5% है। पानी को स्वतंत्र रूप से सड़क से बह जाने के लिए ढाल आवश्यक है। अब हमने देखा है कि ढाल को मापने के लिए कैसे कैम्बर बोर्ड का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से हमें सड़क के दूसरे तरफ ढलान को मापने की भी जरूरत है। क्या ख्याल रखा जाना चाहिए वो ये है कि जहाँ कहीं भी बहुत ज्यादा ढलान या गहरा मोड़ है, ढलान को सिर्फ एक तरफ ही मापा जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या PMGSY के तहत दिए गए सड़क को निरीक्षण करते समय हमें वहां पर किसी भी अवांछित अवरोधों की मौजूदगी को देखने के लिए सावधानी से बाएं और दाएं शोल्डर्स पर ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए। ये झाड़ियां और पौधों का कचरा शोल्डर की जगह में तकलीफ पैदा कर रहे हैं। ये सड़क को उपयोग करने वालों के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। इस तरह के अवरोधों से भी सड़कों की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचता है। इसको तटबंध कहा जाता है, जिसे सड़क को समान स्तर बनाने के लिए किया जाता है। पानी की कटाव और अन्य नुकसानों से तटबंध को बचाने के लिए पिचिंग को प्रदान करना चाहिए। स्ट्रेट एंगल की मदद से तटबंध की ऊंचाई को मापना चाहिए। हमें स्ट्रेट एंगल को सड़क की ऊंचाई पर लगाकर और नीचे से ऊंचाई को मेजरिंग टेप की मदद से माप लेना चाहिए। इस तटबंध की ऊंचाई 1.20 मीटर है। और क्या तटबंध या एम्बैकमेंट के लिए पिचिंग या गिट्टी या पत्थर लगाना प्रदान किया गया है? अगर आप सड़क पर पानी के ठहराव को पाते हैं, वहाँ पर मौजूद उथले गड्ढों की संख्या, वहाँ पर मौजूद दरार वाले इलाकों की संख्या। PMGSY के तहत दिए गए सड़क का निरीक्षण करते समय कृपया अंडुलेशन या असमान सतहों की मौजूदगी के लिए देखें, दरारें और अन्य बिगड़े हुए भागों की मौजूदगी के लिए भी देखें। यहाँ पर एक बड़ी दरार है, कृपया ध्यान दें, यहाँ पर कई दरारें हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ी दरारें हैं। ऐसी इन दरारों की वजह से ही ये गड्ढा विकसित हुआ है। पानी मुक्त रूप से नहीं बहता है और वो सड़क पर ही ठहर जाता है। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क का कैरेज वे का किनारा है। कैरेज वे और शोल्डर दोनों को एक ही स्तर में होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि कैरेज वे का किनारा बिगड़ा हुआ है। बारिश का पानी कुशलता पूर्वक बह जाना चाहिए, वरना यह सड़क को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे सड़क की उम्र बहुत कम हो सकती है। सभी प्रकार के अवरोधों से शोल्डर मुक्त होना चाहिए। शोल्डर भाग सभी प्रकार के अड़चन से मुक्त होना चाहिए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हम सड़क के विभिन्न परतों को मापते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली परत प्री मिक्स कारपेट पीएमसी के रूप में जाना जाता है। इस परत की मोटाई लगभग 40 मिलीमीटर होती है। फिर हम WBM द्वितीय एवं तृतीय चरणों को मापते हैं। ये WBM तृतीय बड़े पत्थरों से बनाई जाती है। ये परत 60 मिलीमीटर की है, ऐसा माना जाता है। माप लेने के तुरंत बाद कृपया परीक्षण के लिए खोदे गए गड्ढे को भरें। क्या नियमित रख रखाव के कामों जैसे कि घास को साफ करना और गड्ढों को भरना ये काम किया गया है? क्या कोई पट्टी जलमग्न हो गई है? जल निकासी को जांच कर निम्नलिखित टिप्पणियों को दर्ज करें। क्या नालियां, मलबे और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के बिना स्पष्ट है? क्या आपको लगता है कि नालियों में पानी स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो सकती है? अगर नहीं तो कारण बताएं। अब आप यहाँ पर देखिए, एक गड्ढा है, यहाँ पर पानी से भरा हुआ गड्ढा है और वहाँ पर भी एक और गड्ढा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हमें इस गड्ढे को मापने के लिए मदद की है। चलिए हम एक डिपस्टिक की मदद से इस गड्ढे की गहराई को मापते हैं। आप सटीकता को प्राप्त करने के लिए डिपस्टिक के साथ साथ एक स्केल का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, डिपस्टिक 60 मिलीमीटर की गहराई को सूचित कर रही है। डिपस्टिक के मदद से सटीक गहराई को पाने के लिए हम स्ट्रेट एंगल की छोर का उपयोग करते हैं। हमें गड्ढे का माप मिल गया है। इस गड्ढे की गहराई लगभग 70 मिलीमीटर है। जब भी आप गड्ढे की गहराई को मापते हैं तब कृपया सुनिश्चित करें कि आप उस गड्ढे में सबसे गहरे बिंदु से ही माप ले रहे हैं। गहराई का माप लेने के लिए हम एक डिपस्टिक और स्ट्रेट एंगल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि गड्ढा बड़ा है, हमें स्ट्रेट एंगल का उपयोग करते हुए डिपस्टिक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे गहरे बिंदु वाले स्थान से स्ट्रेट एंगल के किनारे के साथ इसे समायोजित करें और फिर उसे लॉक करें। यहां हम देख सकते हैं कि इस गड्ढे की गहराई 66.4 मिलीमीटर है। पट्टी पर कोई दुर्घटना की आशंका वाले स्थानों का पता लगाने के लिए जांच करें। रोलिंग के दौरान पीएमसी के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करें। आपके द्वारा तैयार किए गए निगरानी रिपोर्टों को संकलित कर उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी या NRRDA को प्रस्तुत किया जाता है। NRRDA इस प्रतिक्रिया पर कार्रवाई शुरू कर देती है। नागरिक परिवीक्षक प्रगति पर कार्रवाई को जांच करने के लिए दूसरे दौर से निगरानी करते हैं। नागरिकों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों पर वास्तविक काल प्रतिक्रिया यानी कि रियल टाइम फीडबैक देने के लिए और उनकी प्रतिक्रिया की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक मंच को प्रदान करने के उद्देश्य से NRRDA ने मेरी सड़क नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया है। हमारे पास 400 से भी अधिक सिटीजन ट्रेनर्स का समूह है जो पूरे भारतवर्ष में सक्रिय है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में हम 21 राज्य या उससे भी अधिक राज्य में जब पहुंच जाएंगे तो ये सिटीजन ट्रेनर्स हमारा काम आगे बढ़ाएंगे। हम उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं और हमें यकीन है कि वो अपनी जोश और ऊर्जा से इसी कार्य को आगे और भी राज्य में पहुंचाएंगे। और सिर्फ सड़क ही क्यों, अस्पताल, राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण में भी।
अधिकारिता नागरिकों को उनकी सड़कों की स्वामित्व को संभालने में मदद करता है। नागरिक निगरानी की सफलता की कई कहानियां हैं। सड़क के अंतिम लाभार्थी हम यानी नागरिक ही होते हैं, इसलिए सड़कों की निगरानी करने में मदद करना हमारी ही जिम्मेदारी है। एकजुट होकर हम अपने आप बेहतर सड़कें और एक बेहतर जीवन का निर्माण कर सकते हैं।